विराट का अंग बताया, और विराट पुरुष मतलब ये जो पूरा विश्व है वो, और विराट के ये अंग है चारों वर्ण। कौन कौन से अंग? ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यकृतः ऊरु तदस्य जद्वैष्यः पद्व्याघ्रो शूद्रो अजायत। ब्राह्मण इस विराट का मुख है, क्षत्रिय इस विराट की भुजा है, वैश्य विराट के उरु हैं, और शूद्र विराट के चरण हैं। चरण पर पूरा भार होता है शरीर का, वो चरण चलते हैं इसलिए जिंदगी चलती है। जब चरण रुक गए जिंदगी भी रुक जाएगी। तुमने देखा जिंदगी चलना सीखती है घुटनों से शुरुआत होती है, जिंदगी चलना सीखती है और घुटनों से ही जिंदगी को ब्रेक लगती है। कैसे? तो घुटनों में बहुत दर्द रहता है, अब चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, यहीं से जिंदगी चलना शुरू करती है और यहीं से ब्रेक लगना शुरू हो जाती है। पांव पर बोझ है पूरे शरीर का, पांव चलते हैं इसलिए जिंदगी। तो भाई शूद्र जो है वो चरण का रूप है, और चरण चलते हैं। भगवान विष्णु भी चालक संचालक है, ऑपरेटर सस्टेनर है। ब्रह्मा सृजन का काम करते हैं, विष्णु पालन का काम करते हैं, और शिव प्रलय करते हैं।